जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट का विकास हमें विश्व की समस्त प्राचीन सभ्यताओं में देखने को मिलता है। विश्व की समस्त प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ, जो कि वर्तमान के भारत तथा पाकिस्तान के मध्य बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के सिक्के तथा मोहरें मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि विभिन्न सभ्यताओं के लोग यहाँ व्यापार हेतु आया करते थे। जल परिवहन के कारण ही ये व्यापारिक संबंध और अधिक विकसित हो पाए। सत्रहवीं सदी में जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए तो उन्होंने भारत के कई बंदरगाहों को विकसित किया, जिसका उद्देश्य भारत से कच्चे माल को यूरोप में भेजना था। यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति भी इसी का ही परिणाम थी। अंग्रेजों ने भारत की बड़ी बड़ी नदियों का उपयोग अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया। उन नदियों में से एक थी गंगा, जो हिमालय में गौमुख से निकलती हुई भारत के कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है। वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे आध्यात्मिक शहर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। गंगा नदी पर ही 1986 में भारत का पहला नेशनल वाटरवेज बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जोड़ता हुआ 1620 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। इसके दो साल बाद ही 1988 में जलीय परिवहन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें 851 किलोमीटर लंबे दूसरे राष्ट्रीय जलमार्ग को विकसित किया गया। इस राष्ट्रीय जलमार्ग ने जलीय परिवहन के क्षेत्र को एक नई दिशा दी। ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित यह दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग असम के डुबरी को सदिया से जोड़ता है। पश्चिमी भारत में स्थित तटीय नहरों की श्रृंखला को राष्ट्रीय जलमार्ग 3 घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं तथा तटीय खूबसूरती का नज़ारा लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल के कोट्टापुरम से कोल्लम तक फैला हुआ है। जलीय परिवहन पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में अनेक हाउस बोट मौजूद हैं, जैसे बैक वाटर्स हाउस बोट केरला, डल लेक हाउस बोट श्रीनगर, हाउस बोट क्रूज गोवा, उडुपी हाउस बोट कर्नाटका, चुन्नावर हाउस बोट पांडुचेरी, कोनासीमा हाउस बोट आंध्र प्रदेश, सुंदरवन हाउस बोट कोलकाता, जैसे कई हाउस बोट मौजूद हैं। हाउसेस में बैठकर पर्यटक तटीय खूबसूरती का लुफ्त उठाता है। ये बोट हाउसेस एक पानी में तैरते हुए होटल के समान होते हैं। इन बोट हाउसेस में होटल के समान ही कमरे बने हुए होते हैं, जिनमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। बोट हाउसेस अक्सर बांस के बने हुए होते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ाते हैं।